भाई ये फ्रिज और बाकी सामान भी अंदर कमरे में। चुप कर, कमरे स्टोर में रखवा चुप करके सारा सामान। स्टोर में क्यों, हमारी जरूरत का सामान है, हमारे कमरे में जाएगा ना। क्यों, इससे पहले तुम नंगे पुच्छे घूम रहे थे? सब कुछ जरूरत का सामान मौजूद तो है घर में, जैसे पहले इस्तेमाल कर रहे थे ना, वैसे ही चुप करके इस्तेमाल करो, स्टोर में जाएगा सारा सामान। वाह भाई अम्मी, तुम भी कमाल ही हो। एक तरफ रानिया पर पाबंदी लगा रखी है, अपनी मर्जी गिलास में पानी तक नहीं पी सकती, और एक तरफ ये हरकत। बड़ी बीवी की जबान बोल रहे हैं, बड़ा रंग चढ़ गया फौरन। टेल 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 जन मुरीद, गैरत, माँ के सामने आगे से जबान चला रहा है। पासन, ना तेरी औकात है ना तेरे बाप की औकात कि बहन के लिए जहेज बना, ठीक है? शर्मिंदा होने की बजाय अल्लाह ने अगर एक वसीला बना दिया ना, तो उसे खुशी खुशी अपनाओ, स्टोर में रखवाओ ये सामान, नहीं तो अपनी औकात बढ़ाओ। मैं कर रही हूँ, चुप करके करने दो, बड़े आए कहीं से, रखवा स्टोर में। चल भाई ध्यान से, ध्यान से। ओए बड़े बाल शाल, बिजलियां गिरा रहे हैं। मैं तो सारा सामान स्टोर में सेट कर आ गई, चाबी डाल दी मैंने, तो ताला मार दिया मैंने। बहुत ही फजूल हरकत और सोच है तुम्हारी भाई। उन्होंने अपनी बेटी को दिया है सब कुछ, हमारी बेटी की शादी होगी तो हम भी बनाएंगे जहेज। हाँ बनाएंगे, तुम्हारी की लड़की में बनाएंगे हम वो जहेज। आज तक एक फालतू कमरा तो तुम मुझे बनवा के दे नहीं सके, गिनती के लिहाफ गद्दे, गिनती के बर्तन हैं, जहेज बना लेंगे हम। अल्लाह मालिक है, दो चार कमेटियां डाल लेंगे, फिर दानिश की सैलरी भी तो आती है। दानिश की सैलरी आटे में नमक के बराबर है, सिर्फ बिल बिल में मुक जाती है वो तो। खुदा गवाह है, आज तक एक टके की चीज नहीं बना सकी मैं अपनी बच्ची के जहेज की। उससे भी पूछा है जिसका ये है सब कुछ? किससे? उससे जो अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकी, चली थी घर से भागने के लिए भगौड़ी, उससे पूछूं मैं? वो इन चीजों की हिफाजत करेगी? मैं करूंगी, मुझे क्या जरूरत है उससे पूछने की, मेरी ड्यूटी पूछती है। पसीज गए, तुम ही खाओ। दिल जाए जहां, मिलना है गम मुझको वहां। तन्हा थे हम, तन्हा रहे, लौटा नहीं कॉल की है मुझे? तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा तुमसे तुम्हारी खैरियत मालूम कर लूं। मेरी खैरियत पूछने का काम तुम मेरे घर आकर कर चुके हो, तो अब फोन क्यों किया तुमने? क्यों, हम ऐसे बात नहीं कर सकते। नहीं सना, मुझे किसी से कोई बात करने का शौक नहीं है। इस तरह बात मत किया करो, तकलीफ होती है मुझे। अजीब लड़की हो तुम, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, और तुम? मगर तुम्हें बात करनी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में जितनी भी बातें वो तुम मुझसे कह दो, जो भी भड़ास है वो एक बार निकाल दो। मेरे बारे में कम से कम तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। फिक्र है मुझे तुम्हारी, आज से नहीं बरसों से, क्योंकि मोहब्बत करती हूं मैं तुमसे। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है, मोहब्बत है, और वो मोहब्बत जो तुमने रानिया से की थी। अगर उस बेवकफा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो रह रही है आराम से मेरे भाई के साथ, ऐश कर रही है, कितनी आसानी से उसने तुम्हें बुला दिया और तुम। हेलो,
दुनिया में बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सी चीजें जस्ट फॉर फन करते थे। मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसा घर बनाएं जहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत हो। रहे फिक्र बस यही। मेरी आंखें सिर्फ आपको देखें। तेरा फिक्र जिंदगी। और आपके लिए वाहिद मैं ही महफर हूँ। कहते हैं कि शादी उससे करनी चाहिए जो तुमसे मोहब्बत करे, बड़े फायदे होते हैं। जिंदगी भर इंसान लाड उठवाता रहता है। तुम्हारी चाय में टेस्ट की वैसे ही कमी है जैसे तुम में ब्यूटी की। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? अगर मेरे साथ जाना है तो ड्रेस चेंज करो। तुम्हें क्या लगता है? I'm sorry. कमबख्त मोहब्बत इंसान को आसपास से ऐसे जकड़ लेती है जैसे अमर बेल, और जान जाने तक जान नहीं छोड़ती। माने ना माने रा दिल, माने ना माने दिल के तू मेरा नहीं। पर बाजी ने आपके लिए दवाइयाँ भेजी, आपकी दवाइयों का वक्त हो गया है। दवाइयाँ निकाल दूँ आपको? मैंने तुमसे कितनी बार कहा मुझे जब दवाई लेनी होगी तो मैं ले लूंगा। तुम मुझे बार बार आकर डिस्टर्ब मत किया करो। जाओ निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ। बकवास नहीं है, मोहब्बत है। और वो मोहब्बत जो तुमने रानिया से की थी, अगर उस बेवकफा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो रह रही है आराम से मेरे भाई के साथ, ऐश कर रही है। कितनी आसानी से उसने तुम्हें भुला दिया। और तुम हेलो जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। तुम्हें सिर्फ अफसोस है रानिया? ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकती मैं, बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ, पर ऐसे भूल जाओ जैसे मैं कभी थी ही नहीं, ना तुम्हारी लाइफ में ना इस दुनिया में। रानिया ये तुम्हारे लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं। एक बात बताओ रानिया, क्या तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की? पता नहीं, लेकिन अब मैरिड हूं मैं, और चाहती हूं कि तुम भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। रानिया, दिल में छुपा रानिया, कैसे जिएंगे रानिया, कैसे जिएंगे बता। उस बेवफा से दिल को लगा के हमको मिला भी है क्या? जाए जहां मिलना है गम मुझको।
रखो वहाँ, तन्हा थे हम तन्हा रहे, लौटा नहीं मेरा मेहरबान, रब की कसम तेरे हैं हम, सुनता नहीं वो ज़ालिमान। निहाल, मुझे लगता है कि हमें हमजा को किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। साइकेट्रिस्ट को? आपका बेटा पागल है क्या? पागल है नहीं, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। बहुत डिस्टर्ब रहता है, बहुत उलझन है उसके अंदर। हाँ, अगर वो चाहे तो खुद को ठीक कर सकता है, लेकिन उसको तो सुकून मिलता है जब वो हमें डिस्टर्ब करे और अपने आप को डिस्टर्ब करे, हमें टेंशन में देखकर शायद। आई डोंट नो। तो उसको साइकेट्रिस्ट को दिखाने में क्या इशू है? अच्छा है ना, वही तो उसके दिमाग की उलझनों को सही करेगा। फिर करवा के देख लीजिए, अगर वो चाहता है तो। कोशिश करें, कुछ ना कुछ तो करना होगा ना निहाल। इस तरह हम अपने बेटे को अपने सामने खत्म होते हुए तो नहीं देख सकते ना। पता नहीं ये सब कुछ कब खत्म होगा। अल्लाह किसी दुश्मन की औलाद के साथ भी ऐसा ना करे जैसे मेरे हमजा के साथ हो रहा है। अल्लाह मेहरबानी करेगा। मिलना चाहता हूं तुमसे आज रात, दरवाजा खुला रखना, मैं जरूर आऊंगा। आसमाए तुम्हारे बिल्कुल खामोश। तुम यहाँ क्यों आए हो? बदला लेने के लिए आया हूँ तुमसे। कैसा बदला? अपनी बेवफाई का, तुम्हारे धोखे का। मैं मजबूर थी? लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ। क्या हो गया? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? पागल कर दिया तुमने मुझे। क्या तुम्हें पहले वाला हमजा लगता हूं? बोलो, बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं हो सकता हमजा, शादी हो चुकी है मेरी, समझो इस बात को। हर बार मैं ही समझूं? कुछ तुम भी समझोगे या नहीं? अब मेरे साथ तुम्हें भी बर्बाद होना पड़ेगा। या खुदा, कितना भयानक ख्वाब था। दर्द तेरा हम दिल में छुपा के कैसे जिएंगे बता, हाँ कैसे जिएंगे बता। उस बन गई आशिकी, ये जो बेखुदी बन गई।
क्यों किया तुमने मेरे साथ, मेरी जिंदगी को बर्बाद क्यों किया तुमने? बोलो। और तो उसके साथ शादी करके हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हो, हनीमून पर जा रही हो, बहुत खुश रह रही हो ना उसके साथ, और मैं बर्बाद करके रख दिया तुमने। जाए जहां मिलना है गम मुझको वहां, तन्हा थे हम तन्हा रहे, लौटा नहीं मेरा मेहरबान, रब की कसम तेरे तुम आ गए, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे यकीन था तुम आओगे, करनी थी तो फोन करके क्यों कहा था इतनी रात को, इतना अर्जेंट मिलने के लिए? फजूल सारी रात पर बात हुई। ये तो वाकई पागल है। रीन के नहीं, मेरे बेटे हो। बस बस, इससे आगे कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। आपने मेरी माँ को कत्ल करने की कोशिश की है। मैंने सिर्फ अपने बेटे को अपना कहा है। शायद आप झूठ बोल रही हैं। अगर इस बात को सुन के मेहरीन मरती है तो मेरी वला से सब झूठ होगा। रात को इस वक्त सहन में क्या कर रही थी? कोई कैदी थोड़ी हूँ, दिल घबरा रहा था तो बाहर चली गई थी। बहुत ही बददिमाग लड़की हो तुम। प्यार से तुमसे एक सवाल किया है, बदतमीजी कर रही हो मुझसे। तो क्या करोगे, मारोगे? और कर भी क्या सकते हो? ना तुम्हारी मर्जी से तुम्हें आजादी मिलेगी और ना ही मार। जब दिल करेगा, जो दिल करेगा, जैसा सलूक करने का वैसा करूंगा। नींद आ रही है, मुझे लाइट बंद कर दो। Thank you.
गया क्या तुम? मेरी नींद खराब करके खुद आराम से सो गया, सो गई दो दो के मेरी तो नींद उड़ा दी। इस सब में काफी वक्त जाने वाला है तुम्हारा, खुद को सुखाने में, कपड़े बदलने में, ये सब गीला भी हो गया है, कंफर्टर भी खराब हो गया है। स्टोर में पड़ा है दूसरा कंफर्ट, जाके ले लो, बल्कि ढूंढना ही पड़ेगा, पता नहीं कहाँ है, गंद में पड़ा होगा। अफसोस हो रहा है। और हाँ, याद से नमाज पढ़ लेना, अपने गुनाहों की माफी मांगा करो तुम, बहुत गुनेगार हो तुम, बहुत ज्यादा। वो अपने आशिक के चक्कर में अपने वालदैन की इज्जत पर से खलांग कर घर से भागने वाली थी ना तुम, याद है ना? भूल गए, मैं तो सोने लेट रहा हूं। गुड नाइट, सी यू इन द मॉर्निंग। अपने गुनाहों की माफी मांगा करो तुम, बहुत गुनेगार हो तुम, बहुत ज्यादा। वो अपने आशिक के चक्कर में अपने वालदैन की इज्जत पर से खलांग कर घर से भागने वाली थी ना तुम, सजा।
सना, तुम यहां अकेले क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आ गए। मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? घर में और लोग भी हैं। हाँ, लेकिन मुझे तुमसे मिलना था क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। कभी तुमने मेरी धड़कनों की बेकरारी नहीं सुनी। मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए बेकरार है हमजा। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें चाहती हूँ। Stop it, sir. मैंने तुम्हारे लिए कभी इस तरह नहीं सोचा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम और दानिश मेरे लिए फैमिली की तरह। इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन प्यार वो दिल का फैसला होता है। और मेरा दिल तुम्हारे लिए नहीं धड़कता। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ना तुम्हारी मोहब्बत मेरी जिंदगी है। मेरे लिए तुम्हारे दिल में प्यार है और यही सच है, क्योंकि मैं तुम्हें जान सना। स्टॉप। से कहा ना, मैं किसी और का हूं। तो तुमने उसे जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? जाओ यहाँ से। क्या करूं? हमजा इधर आओ। कहाँ चले गए थे हमजा? इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे मुझे। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। मेरा जी चाहता है कि मैं इस दुनिया को आग लगा दूं। न जाने मैंने ऐसे कौन से गुनाह किए जिसकी सजा मुझे ये मिली। बेटा, हर मुश्किल गुनाह की वजह से नहीं आती है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता भी है।
लेकिन मैं ही क्यों? बेटा तुम सिर्फ अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ साथ इस आजमाइश की भट्टी में हम भी जल रहे हैं, लेकिन तुम सिर्फ अपना सोच रहे हो। मुझे सिर्फ उससे जवाब चाहिए, उसने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? कितना प्यार करता था मैं उससे, एक ही दिन की तो बात थी। मजाक कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है, तुम खुद को संभालो। जिंदगी बहुत कीमती है, वो बेफजूल लोगों पे जाया नहीं करें। चलो आओ, बहुत देर हो गई, आराम करो चल के। मुसीबत लाते मार मार के अपनी टांगे तोड़ रहा है, भेज दे इस खचड़े को किसी कबाड़िए को, छोटी मोटी गाड़ी ले ले। अम्मा क्या मजाक लगाया हुआ है, पैसों की आती है गाड़ी, छोटी मोटी गाड़ी भी ना 20-25 लाख रुपए से कम की नहीं है। हेलो, तुम्हारे लिए कौन सा मसला है भाई 20-25 लाख? इतनी अमीर ससुराल के दामाद हो, कहो लाकर गाड़ी दे तुम्हें। अच्छा बेटी यहाँ पर खुश नहीं, उसका बाप खुला की बातें कर रहा है, तुम कह रही हो गाड़ी ले लूं मैं वहां से? बेगैरत है वो लोग, उनको तो चाहिए कि खुद गाड़ी की चाबी अपने दामाद के हाथ पे रखें। कैसी उनकी मुसीबत हमने सर पे उठाई है, इज्जत बचाइए उनकी। क्यों? अरे अम्मा इनसे कहाँ हो पाएगा, उस दिन याद है रानिया के बाप के सामने ऐसे भीगी बिल्ली बन के खड़ा था। माशाल्लाह हमेशा माचिस वाला ही काम करती हो तुम। वाह मुंह से आग तुम निकाल रहे हो, है माचिस वाला काम तुम्हारी बहन कर रही है। अरे वहाँ बोला कर ना, ये मुंह खोला कर जहाँ बोलने की जगह होती है, वहाँ तो मुंह पे ताले लग जाते हैं, मिंग 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 करता फिरता और बहन के सामने गुर्रा रहा है, बड़ा आया। हक है तेरा, मांग गाड़ी वरना दे तलाक और भेज इस रानिया की बच्ची को तलाक दे के इसके घर वापस। इतनी मुश्किल से तो मेरी शादी हुई है उससे, तलाक तो मैं नहीं देता। सुन लिया, बार बार बोली हूँ कि यहाँ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, फिक्र मत करो मैं और नानो जाकर बात कर लेंगे। हाँ ससुराल में बीवी में और जाएंगे दूसरे, जहाँ मेरी रानिया जाएगी वहाँ तो मैं जरूर जाऊंगा। जहाँ मेरी रानिया जाएगी वहाँ तो मैं जरूर जाऊंगा, दूसरे कौन के नीचे मैं एक बेगैरत छोरू का गुलाम जन मुरीद। मैं बता रही हूँ तुझे मर्द बन, कि जो तेरे डोले छोले बने हैं, ये तेरी खिलाई पिलाई की इतनी जान बनाई है इसलिए बनाई है कि बीवी के सामने तू मीमी करता फिले है, बिलोंगड़े क्यों नहीं आवाज निकालता, बोल बोल गाड़ी चाहिए वरना भेज इसे वापस। सारी खिलाई पिलाई जितने आलू खिलाए अंडे खिलाए सब जाए, मुंह फुस एक जबान ही नहीं खुलती, बोलना मरद बन मरद सुन ले, गाड़ी देख टैक्सी लेकर आ, माँ से बात करूं मैं। मैं तो बिल्कुल ठीक रही हूँ, चलो मुंह खोलो आग लगाओ इसको, चुपी हो जाओ तुम तो, गाड़ी लेने जा रहे हैं। हक है तेरा, मांग गाड़ी वरना दे तलाक और भेज इस रानिया की बच्ची को तलाक देके इसके घर वापस। बिल्कुल ठीक कहा है मैंने।